कोई भी संगठन हो, अगर शिक्षा मित्र के नेता है तो वो भी शिक्षा मित्र है। अध्यक्ष तभी रहेंगे जब शिक्षा मित्र सुरक्षित रहेगा। बड़ा मुश्किल से, बड़ी मेहनत करके श्रेय लेने के लिए होड़ मची है, लेकिन श्रेय उन्हें ही मिलना चाहिए जिन्होंने इस मेहनत में, इस कार्य में अपना जी जान लगाया, एक एक पल बड़ा अमूल्य बिताया है। घर परिवार छोड़कर 24 घंटे इसी पे लगे रहे, मेहनत की है। और मेहनत विधायक जी खुद बता गए हैं कौन कौन से संगठनों में, कौन कौन से नेताओं का इसमें बड़ा रोल है। हमारे साथ शिव कुमार शुक्ला जी आ गए, उनका स्वागत है। जल्द ही और हमारे साथ ही जुड़ेंगे, जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे हम आपका परिचय कराते जाएंगे। शुक्ला जी, अब बात कुछ बनने की कगार पर आई, अभी बनी नहीं है कुछ भी, अभी एक नियोता मिला है, लेकिन दावत के नियोते में ये पक्का होता है कि आप जाओगे तो पूरी भी मिलेगी, मिठाई मिलेगी, पूर्वांचल में जाते हैं तो बुंदिया मिलेगी, रायता मिलेगा, दही मिलेगा, लेकिन इस आमंत्रण में ये तय नहीं है क्या मिलेगा। इस आमंत्रण में ये तय है कि आपको बुलाया जा रहा है, और अपने अपने नेता अपने अपने पैड लेके निकल पड़े हैं। मैं बार बार सबसे कह रहा हूं कि एक मांग बना लीजिए, जो तीन चार मांगे मुख्य हैं, प्रमुख हैं, जिनसे जीवन बदलने वाला है, वो दो तीन मांग लिख के सब लोग एक पैड अपना अपना कर लो, कुछ भी कर लो। वैसे तो हम तो ये कहेंगे सामूहिक मांग हो, एक ही मांग, एक ही काम, एक ही नाम, एक ही बात, निश्चित सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर अलग अलग मांगे की तो मुझे नहीं लगता है कि कोई सार्थक परिणाम भी निकल पाएगा। और इसको लेकर सारे शिक्षक नेत्र भी जिम्मेदार होंगे, शिक्षक नेता भी जिम्मेदार होंगे, लेकिन गांव में बैठा शिक्षा मित्र उससे क्या बेचारे को पता है कि क्या कर रहे हैं संगठन के लोग। और मुझे लगता है कि जितने बैठक में कम लोग जाएंगे उतनी सार्थक बैठक होगी, जितने ज्यादा लोग जाएंगे उतनी निरर्थक बात होगी। शुक्ला जी, प्रणाम। मिश्रा जी, प्रणाम जी, नमस्कार। देखिए, हमारी कोशिश है मिश्रा जी कि शिक्षा मित्रों के भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, और मैं निरंतर पिछले 5 साल से, आप जान रहे हैं, और जो मेरा ये 2 साल का सफर रहा 12 जनवरी 2023 से और अब तक, उसमें हमने घर परिवार व्यवस्था व्यापार सब कुछ छोड़ करके केवल शिक्षा मित्रों को चुना, उनके जीवन को संवारने का एक लक्ष्य चुना और उसी पे हमने काम किया। चाहे वो संवाद से समाधान की तरफ जाने की प्रक्रिया रही हो, चाहे जो टूटी हुई सरकार को मनाने का सिस्टम रहा हो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं, उन बयानों को आपके मध्य में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। चाहे सरकार के करीब जाने के लिए हमें सांसद माननीयगणों, माननीय विधायकों और माननीय MLC महोदय, माननीय मंत्रीगणों से चर्चा करनी रही हो या अधिकारियों से, और ये सिस्टम हमारा चलता रहा। 12 जनवरी का चला और 18 अक्टूबर के बाद कमेटी गठित हुई, और उसमें भी हमारी मदद माननीय विधायक गणों ने ही किया, माननीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी बड़ी मजबूती से किए। हम लोगों का प्रपोजल बना, अधिकारी मेरे पक्ष में थे, आदरणीय प्रमुख सचिव साहब मेरे पक्ष में थे, DG महोदय मेरे पक्ष में थे, डायरेक्टर उस समय आदरणीय डायरेक्टर महोदय ने कमेटी बनाया, सब कुछ लिखित पेपर आपको 22 संगठन के नेम से, शिव कुमार शुक्ला के नाम से, सब कुछ समझौता पत्र सब कुछ मैं देता रहा लगातार। चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मैं निवेदन किया, मैं गया तो उन्होंने कहा मैं चुनाव के बाद मिलूंगा और चुनाव के बाद करूंगा। फिर मैं उस प्रक्रिया में लगा, चुनाव जैसे ही लोकसभा संपन्न हुआ उसके बाद आप देख ही रहे कि लगातार मेरा सबसे मिलना मिलाना, और फिर माननीय MLC साहब बनारस गए, बनारस के लोग हमारे मिले जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में, मुझे सूचना हुई, उसके बाद हमने महामंत्री जी को भेजा वो मिले, और फिर मैं माननीय MLC साहब से मिला, आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी से जाके झांसी में मिला, आदरणीय दिल्लो साहब हम सबके पुराने परिचित थे, और जब वो पहली बार चुनाव लड़े तो शिक्षा मित्रों ने उनका बहुत ही प्रबल समर्थन किया था, उनकी भी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हुई, और एक धीरे धीरे एक टीम बनी। हमारे MLC साहब आदरणीय उदेश कुमार मंजू सिंह साहब,
उन्होंने भी आदरणीय एमएलसी साहब से बात किया, फोन पर बात किया और कहा भैया आप भी लगिए। तो सारे लोगों से जब बातचीत करा के एक सिस्टम बना और उस सिस्टम बना करके मैंने एक पैनल, राजनैतिक मंच को छोड़ दीजिए, हमने एक पैनल दिया जनप्रतिनिधियों का और उनसे निवेदन किया कि मरते हुए शिक्षा मित्रों और निदेशकों का जीवन आप बचा लीजिए। और उस दिशा में हमने कितना प्रयास किया होगा, हमारे जो कर्मठ साथी काम कर रहे हैं, हमारे जो जिलाध्यक्ष साथी काम कर रहे हैं, जो हमारे प्रदेश के लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने कितना मेहनत किया होगा, लेकिन हमने सारी बातें गोपनीयता के साथ सबके साथ लग करके काम किया। जब हमारा 5 सितंबर का धरना लगा तो मैंने माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध किया कि आप 5 सितंबर को मेरे कार्यक्रम में आइए, हम आपका सम्मान कर देंगे। माननीय मंत्री जी का हमसे एकदम स्पष्ट शब्दों में कहना था कि शुक्ला जी आप कार्यक्रम करिए, लेकिन कार्यक्रम शांति स्वरूप में करिएगा, आपका सिस्टम जो बन रहा है वो, विक्रम जी आ गए हैं आपका स्वागत है, तो हमारा जो सिस्टम बन गया है वो सिस्टम बनाए रखिए।